हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट 10 और वीक 12 में। इसको बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट करना है। रिस्क एंड रिटर्न जो चैप्टर हमारा था, और अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक, उसी से जो है रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है अपना 17 मई तक जो है सबमिट करवाएं, जैसे आप ऑलरेडी करा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें गूगल क्लास में इसको अटैच करते हैं। और बाकी इसमें है क्या, 10.1 जो है आपके पास क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल बीटा 1.45। अब ये देख लें अग्रेसिव बीटा है, ठीक है। रिस्क फ्री रेट जो है 8% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो जो 30% है। कंपनी करंटली पे आर डिविडेंड $2 और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन अ डिविडेंड 10% पर एनम फॉर द मेनी ईयर टू कम, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है। व्हाट इज द स्टॉक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ठीक हो गया। और व्हाट इज द स्टॉक प्रेजेंट मार्केट प्राइस, ये जाहिर सी बात है जो अभी हमने हमारा जो लास्ट 12 वीक का जो लास्ट हमारे पास वीडियो थी, ठीक है, टॉपिक था, उसमें ये सारा काम आपने किया है। अगर वो आपको समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके एबीसी यहाँ पे जो है वो बीटा की वैल्यू जस्ट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आपने जो है इनको सबको कर लेना, एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये 10.2 जो है इसमें बच्चों क्या करना है, जो 10.2 है इसमें भी आपने जो है ना जो है कैपिटल एसेट जो है मॉडल अप्रोच जो है प्राइसिंग मॉडल अप्रोच जो है उसको जो है आपने अप्लाई करना है। इसमें जो है रिस्क फ्री रेट जो है 7% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 30% है, ठीक है, और सॉरी मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। बाकी रहेगी बात बीटा, ये ए बी सी डी सारे ये डिफरेंट बीटा है, ठीक है। एक कंपनी बी सी सभी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला और जो है आप कर लेंगे। और उसके बाद 10.3 इसमें देखें क्या करना है, ये डिफरेंट स्टॉक हैं कंपनी के, ठीक है, और उनके बीटा भी गिवन है। इफ यू इन्वेस्ट 20% ऑफ योर फंड इन ईच ऑफ द फर्स्ट फोर सिक्योरिटी, 1, 2, 3, 4 फोर सिक्योरिटी है, इसमें 10% 20% है, फिर आपके पास क्या है 2, 10% इन ईच ऑफ द लास्ट टू। अच्छा, इसमें और इसमें क्या है, पार्क सिटी कोला कंपनी में भी 10% है और उसमें भी 10%, ठीक है। तो व्हाट इज द बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो, अब ये देखिए आपने ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेट, ठीक है। जैसे वेट होता है ना, उसी वेट को सिंपल आपने 1.40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो आपस में जो है आपस में रिटर्न और प्रोबेबिलिटी, इसको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है। सम वो जो होगा उसको वो क्या कहेंगे हम, वो हमारा बीटा होगा इस पोर्टफोलियो का, ये सारे पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो वो जो भी बीटा आएगा उस पर फिर वो कहता है, इफ द रिस्क रेट फ्री रेट इज 8% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द मार्केट पोर्टफोलियो इज 14%, व्हाट इज द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड जो है रिटर्न जो है आपका, वो कह रहा है कैलकुलेट करके मुझे दे दो, ठीक है। तो ये आपके पास असाइनमेंट है इस वीक की, ठीक हो गया। बाकी जो प्रीवियस हमारी असाइनमेंट थी, मैं अब उसकी तरफ आ जाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारी असाइनमेंट 9 थी और ड्यू डेट इसकी जो गुजर भी चुकी, और आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने जमा भी करा दिया और बेहतर भी किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बड़ा आसान था, जिसमें जो है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है अकरेंस दी हुई थी और जो पॉसिबल रिटर्न है वो भी दिए गए थे, ठीक है। ए पार्ट तो इसका बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। बी में आपको कंफ्यूजन थी, वो मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना था, एज यूजल पॉसिबल जो रिटर्न थे वो लिखे, प्रोबेबिलिटी उनके लिखे, आपस में मल्टीप्लाई करके सम ले लिया, तो क्या आ गया 0.20%। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या 20%, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने निकाली, यही 20% को माइनस करते रहे स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.10, ये क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी, सिंपल जो है इसी का भी सारा सम किया, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है 16.43 आ गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बात आसान थी और समझ जो हमने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन हमने किया भी था, तो ये इजिली हो गया। यहाँ पे देखिए, अज्यूम दैट द पैरामीटर दैट यू मस्ट यू जस्ट डिटरमिन अंडर पार्ट ए pertain to the normal probability distribution, what is the probability that return will be the zero or less than 10% more than 40%, assume the normal distribution. Normal distribution को माइंड में रखते हुए वो कहता है, अगर probability जो है जो जीरो हो जाए
ठीक है, और उस वक्त फिर क्या आपके पास जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो डिटरमिन करके दे दो, पैरामीटर डेट भी विच जस्ट डिटरमिन, ठीक है। और बाकी अगर 10% और 10% से कम है फिर दे दो, 40% पे दे दो, ठीक है। वट इज दी प्रोबेबिलिटी डेट रिटर्न विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपने करना क्या है, हमारी बुक में एक टेबल है उससे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आप देखिए मैं पहला तो आपको करा देता हूँ, बी सी जो है ना उसी से भी आप एक आ गया तो समझ आ जाएगी। 40 रिटर्न डेट विल बी जीरो और लेस स्टैंडर्डाइजिंग द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब उसने पहला क्या कहा था, जीरो और लेस देन जीरो, ठीक है। हम कह देते हैं जीरो, जीरो माइनस 20%, ये क्या है आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है और ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है। आर माइनस आई बार हम कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये क्या है आपका जो 0% उसकी प्रोबेबिलिटी है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय कर देते हैं आपका ये जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डेविएशन हम देख रहे हैं कि कितना ये गैप है इसमें, ठीक है, -1.217, ठीक है, ये गैप है स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, टर्निंग टेबल वी इन द अपेंडिक्स बैक टू बुक एंड 1.217 फॉल बिटवीन। अब ये जो है ये माइनस में भी आएगा, गैर है, ठीक है। ये हमारे पास वो जेड की जो वैल्यू होती है ना बेसिकली वो है 1.217 fall between the standard deviation of 1.20 and 1.25, ठीक है। तो this standard deviation corresponding area under the curve of the 0.1151 and 0.1056 respectively, this means there is a approximately an 11% probability that actual return will be the zero or less, ठीक है। ना हमारे पास actual जो return है वो कहता ऑलमोस्ट जो है ये तकरीबन जो है 11% हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको वो टेबल, ये जो वैल्यू थी ना 1.217, ठीक है, और 1.25, इसको थोड़ा सा मैं 1.27 जो है ना आपके पास टेबल है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक है, ठीक है, इस बुक को मैंने चलें ये टेबल निकाल के रखा हुआ, ठीक है। 713 एंड में आपको मिलेगा जो बुक मैंने वो दी है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ जी, क्या था हमारा 0.17 था, ठीक है, 1.27 था बल्कि, ठीक है। तो 1.20 एंड 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो कि हमारा जो के वो आंसर आ रहा था, ठीक है, -1.27 या 21 जो भी था, तो ये कह रहा है कि यार ये तो आता है 1.20 या फिर 1.25, इसके सामने अब आप देख रहे हैं दोनों का अगर गैप करें 11.5%, ठीक है। तो यही उसने बात कर दी है कि आपके पास जो एरिया डेट विद लेफ्ट और द राइट साइड ऑन अ टेल, ठीक है, जो जेड की वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या है तो 11% बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है दोबारा इस चीज को हम जो है ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और जी तो 1.217 था, ठीक है, तो वो फॉल कर रहा था किस पे, नॉर्मल 1.20 और 1.25 जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी, ठीक है। तो उस बिहाफ पे जो है हमने उसको देखा तो 11% है। इसी तरह से ये आपने 10% कंसिडर करना है, 10-20 और ये 0.06 है, तो इसका वो कहता है टेबल 5 में देखते हैं तो 27% आता है, और इसको तो अगर देखते हैं तो ये भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 11% आता है, ठीक है। 40% माइनस 20% डिवाइडेड बाय 16.43, ठीक हो गया जी क्लास। ये आपके पास पहला क्वेश्चन बी पार्ट जो थोड़ा सा इशू था, टेबल से वैल्यू देखनी थी, आपके पास टेबल बुक में है, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज हम करते चले, टू क्वेश्चन था और इसमें जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी, ये बड़ा आसान था, सिंपल आपको वेट से मल्टीप्लाई करके ये आपका जो है 8.4% और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है फार्मूला खोल के प्लस 2AB प्लस जो है बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा उसने ओपन करके जैसे वो मैट्रिक्स हमने बनाया था वैसे करके आपने क्या किया हुआ है, इसको समराइज करके जो है इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ले लिया 2.86 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने जो है ये भी इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है, ठीक है। मजीद कोई मसला होता पूछ लीजिएगा, आप अपने मैट्रिक्स से करें, मैट्रिक्स बना के बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी आ गया,
फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल जी, ये भी आसान था क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी अकरेंस होगी और पॉसिबल रिटर्न हो गए, तो इसका जो सोल्यूशन है ये आपको जो है मैंने ये दे दिया, ठीक है। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके जो है पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था जो कि 0.10 आ गया, 11% समझो बन गया, और बाकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 11.36 जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आगे करीब करीब भी है, ठीक है। चलें जी ये ख़त्म हमारी क्लास और ये असाइनमेंट भी आपकी ख़त्म। चलें अल्लाह हाफिज़।